वेलकम पीपल 2006 का क्वेश्चन है और दो मार्क्स का है ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है हम पहले एक बार स्टेटमेंट देखते हैं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ अ CPU has a हैज अ फाइव स्टेज runs at एंड gigahertz एट Instruction fetch happens in the first stage फर्स्ट स्टेज ऑफ a conditional branch instruction computes the target address and evaluates the condition in third stage of pipeline the processor stops fetching new instruction following a conditional branch until the branch outcome is known a program executes 10 raised to the power 9 instructions out of which 20% are conditional branches if each instruction takes one cycle to compute वन साइकल टू कंप्लीट ऑन एवरेज द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज जस्ट है लुक एट दीज फोर ऑप्शन ओके तो आपको गिवन है कि एक प्रोग्राम में टेन रेस टू दर नाइन इंस्ट्रक्शन है जिसमें से बीस परसेंट है कंडीशनल ब्रांचेस बीस परसेंट ऑफ टेन रेस टू दाइन यानी कि ये ये है कंडीशनल ब्रांचेस बची हुई 80 परसेंट ये है नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। और साथ के साथ आपको एक और चीज बताई गई है कि कंडीशनल ब्रांच के केस में थर्ड स्टेज पे इफेक्टिव एड्रेस पता लगता है और कंडीशन इवेल्युएट होती है यानी कि अगर ये कोई इंस्ट्रक्शन है तो इस ये कोई कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो इसकी थर्ड स्टेज में आपको पता लगेगा कि ये ब्रांच ट्रू है या फॉल्स यानी कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप जंप करोगे यानी कि जो नॉर्मली इससे अगली इंस्ट्रक्शन फेच हो चुकी होगी वो आपको फ्लश करनी पड़ेगी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो इससे नेक्स्ट होगी प्रोग्राम में वो सीपीयू ने ऑलरेडी फेच कर ली होगी बट यहां पे आके आपको पता चला कि अब हमें कोई और इंस्ट्रक्शन फेच करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे जंप परफॉर्म करवाना है यानी कि ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपको डिलीट करनी पड़े बेस्ड ऑन द कंडीशन तो सीपीयू क्या करता है अगर ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो थर्ड क्लॉक साइकिल तक ये फेचिंग को डिले कर देता है ओके okay, मीनस अब जो इंस्ट्रक्शन फेच है वो अपने आप ही थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद होगा पिछली इंस्ट्रक्शन की थर्ड क्लॉक साइकिल यानी कि वन टू थ्री इसके बाद ही इंस्ट्रक्शन होगा ओके पैरेलली यू कैन सी कि अगर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एक कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो मतलब ये भी कंडीशनल ब्रांच थी और ये भी कंडीशनल ब्रांच है तो इसमें थर्ड क्लॉक साइकिल ये रहा यानी कि इस स्टेज के बाद हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है मींस अगला इंस्ट्रक्शन फेच यहां पे होगा ओके okay. नॉर्मली yeah. तो यहां पे इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है तो अगला इंस्ट्रक्शन फैच यहां पे होना चाहिए था बट क्योंकि ये भी कंडीशनल ब्रांच है तो अब वो फैचिंग डिले होकर इस पॉइंट के बाद होगी ओके okay. अब आप कैलकुलेट करो कि इस केस में क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन कितनी है एवरेज सीपीआई क्या मिल रही है ये देखो एक इंस्ट्रक्शन यहां पे खत्म हुई दूसरी इंस्ट्रक्शन यहां पे खत्म हुई इन दोनों के बीच में है तीन क्लॉक्स या तीन स्टेजेस यानी कि एवरेज सीपीआई इन केस ऑफ कंडीशनल ब्रांचेस होगी ओके, आप कंफर्म कर सकते हो यहां पे भी थ्री ही है एक इंस्ट्रक्शन यहां पे खत्म हुई और अगली इंस्ट्रक्शन यहां पे खत्म हुई इनके बीच में तीन क्लॉक साइकल्स का गैप है यानी कि एवरेज सीपीआई होगी थ्री इन केस ऑफ कंडीशनल ब्रांचेस नॉर्मली तो एवरेज सीपीआई वन हमें दे रखी है बट वन से ज्यादा क्लॉक्स लगेंगी अगर कंडीशनल ब्रांच है कितनी थ्री मतलब कि ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए तो एवरेज सीपीआई है वन और ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए एवरेज सीपीआई है थ्री ओके okay. अब आप देखो

इतनी क्लॉक्स लग रही हैं। ओके दिस इज मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय वन अब हमें पता चल गया कि टोटल क्लॉक्स कितनी है और हमें ढूंढने को कहा गया है कि टाइम कितना लगेगा अगर मैं किसी तरह से यह पता कर लूं कि एक क्लॉक को कितना टाइम लग रहा है तो मैं उस नंबर को टोटल नंबर ऑफ क्लॉक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा मेरा आंसर आ गया अब ये पता करने के लिए इस डेटा को आप यूज कर सकते हो यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वन गीगा हर्ड्स वन गीगा हर्ड्स मीन्स टेन रेस टू दी पार नाइन टाइम्स पर सेकंड। ओके दैट मीन्स टेन रेस टू दाइन क्लॉक्स इन वन सेकेंड ओके इतनी क्लॉक्स एक सेकेंड में आ रही हैं एक क्लॉक कितना टाइम लेगी वन क्लॉक विल सर्टनली टेक वन अपॉन टेन रेस टू दर नाइन सेकेंड एंड दिस इज वन ने सेकंड अब आप इसे नैनो में कन्वर्ट करने की जगह सीधा ही टेन रेस टू माइनस नाइन लिख लो माइनस नाइन सेकेंड बिकॉज हमें दिख रहा है कि यहां पे टेन रेज टू प्लस नाइन है तो ये कैंसिल करने में हमें आसानी रहेगी अब एक क्लॉक को इतना टाइम लग रहा है इतनी क्लॉक्स को कितना टाइम लगेगा यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर दिस नंबर रिटर्न इन द ब्रैकेट बाय टेन रेज टू दाइनस नाइन ओके okay, अब यहां से टेन रेस टू दी नाइन और टेन रेस टू दी नाइन कॉमन लो और इससे कैंसल कर दो यानी कि जो बच्चा वो होगा थ्री इंटू ट्वेंटी बाय हंड्रेड प्लस एट्टी बाय हंड्रेड दिस इज पॉइंट टू इंटू थ्री which सिक्स प्लस पॉइंट एट और ये सेकंड्स है है ना बिकॉज hmm. ये जो हमने कैलकुलेट किया था एक क्लॉक के लिए टाइम वो सेकंड्स में आया था तो इस पूरे का यूनिट हो जाएगा सेकंड्स एंड दिस इज वन पॉइंट फोर इज विच इज वन पॉइंट फोर सेकेंड है ऑप्शन सी या